आइए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 24 के चुनाव से जुड़ी 24 बड़ी खबरों से। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में इस बार मुंबई शेतकारी दल को भी बुलाया गया है। गठबंधन में कुल 27 पार्टियां शामिल। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी बैठक। करगिल में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा चीन ने हमारी जमीन छीनी। बीजेपी और आरएसएस देश में फैला रहे हैं नफरत। करगिल हिल काउंसिल के चुनाव से पहले राहुल गांधी बोले, लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर, यहां के युवाओं की आवाज दबाई जा रही। बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा नेहरू ने 3500 टन चावल चीन की सेना को दिया था, पूछा दुश्मन देश की मदद क्यों की, कांग्रेस जवाब दे। चीन को लेकर ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला, पूछा सरकार क्या छिपा रही है, 65 में से 25 पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। ग्रीस से लौटने के बाद कल बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसरो मुख्यालय में चंद्रयान 3 की टीम से मिलेंगे। वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देंगे बधाई। चारा घोटाला केस में लालू यादव की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लालू के वकील के स्वास्थ्य का हवाला देने पर सीबीआई के वकील ने किया विरोध। नीतीश का बयान, लालू यादव को तंग किया जा रहा है। नीतीश कुमार का बयान, कहा जातीय जनगणना का काम पूरा हो गया, बेवजह व्यवधान करने की हो रही है कोशिश। शरद पवार का बड़ा बयान, बोले एनसीपी में किसी तरह की टूट नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है, कुछ नेताओं का विचार अलग होने का मतलब टूट नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का शरद पवार पर बयान, कहा उद्धव ठाकरे और हमारे बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है, पवार की वजह से जनता में फैल रहा है भ्रम, उसे दूर करना चाहिए। एमपी में शिवराज कैबिनेट का आज हो सकता है विस्तार। 3 वरिष्ठ विधायकों को बनाया जा सकता है मंत्री। विंध्य और महाकौशल में जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश। छिंदवाड़ा को तोड़कर पांडुरण को जिला बनाने की शिवराज की घोषणा पर कमलनाथ का पलटवार। मुरैना में कहा 10 साल में नहीं बना पाए जिला, चौपट सरकार ने राज्य को चौपट प्रदेश बना दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी हिंदू वोटरों को धार्मिक यात्राओं और बाबाओं की कथा के जरिए लुभाने में लगी। नेता अपने खर्चे पर लोगों को करवा रहे यात्रा। एमपी की तर्ज पर कांग्रेस में यूपी भी सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जय श्री राम के जवाब में हर हर महादेव का नारा बुलंद किया। मधुमिता हत्याकांड के दोषी अमर विनीत त्रिपाठी और उनकी पत्नी की सजा माफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। माफी के खिलाफ मधुमिता की बहन निधि ने याचिका पर निर्देश दिए गए। 28 अगस्त को सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, किसानों को लेकर हो सकते हैं बड़े फैसले। जोधपुर में कांग्रेस पार्टी की बैठक, विधानसभा चुनाव में रणनीति और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। राजस्थान की कानून व्यवस्था पर अशोक गहलोत बोले, राज्य को बदनाम करने की हो रही है कोशिश, पहले से महिलाओं और एससी एसटी के खिलाफ अपराध कम हुए। जम्मू कश्मीर में भूमिहीन परिवारों को मिलेगी 5 मरला जमीन, सरकार ने जारी किया निर्देश। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ 4 FIR दर्ज, सोरेन परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। हरियाणा विधानसभा सेशन में चंद्रयान के क्रेडिट लेने को लेकर हंगामा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले इस कामयाबी में रूसी पीएम का योगदान। अनिल विज का पलटवार, कहा सफलता पीएम मोदी के समय में मिली। आंध्र प्रदेश में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रखी आधारशिला। विधानसभा में 84 करोड़ की लागत से बनेगी यह यूनिवर्सिटी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सरकारी स्कूलों में सख्त रास्ता योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की, सरकार की 404 करोड़ की योजना।
बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उमड़ी वैशाली रेलवे स्टेशन पर भीड़, अभ्यर्थियों को रेलवे जंक्शन पर कितनी बड़ी राहत, प्रशासन पर बद इंतजामी के आरोप।